गाइज, अगर आप भी मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो तो आप इस तरह की मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो को इस तरह से प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो। आज के अपने वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डेड मोबाइल वीडियो को आप कैसे प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो। इसके अलावा गाइज, अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बढ़िया एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है, तो इस पर मैं एक वीडियो बना के ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए देखिए, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि नॉर्मल मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो को प्रोफेशनली एडिट कैसे करना है। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पे काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, या फिर एक वीडियो और बना के मैं इस पे डाला हूँ जिसमें आप प्रो वर्जन यूज कर सकते हो काइनमास्टर का, जिसमें वाटरमार्क नहीं आता और सारे फैसिलिटीज और फीचर्स जो है काइनमास्टर के वो फ्री में यूज कर पाओगे। उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लेना। सो यहाँ पे काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको 16:9 जो एस्पेक्ट रेशियो है इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपने मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो के लिए बैकग्राउंड सेट करना है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक से बढ़ के एक बैकग्राउंड इमेज लाया हूँ जिसे आप यूज कर सकते हो। सो जो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड यूज करने वाला हूँ इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पे और भी बहुत सारे बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे, और इसमें इस वीडियो में जितने भी मैंने PNG और बैकग्राउंड यूज किए हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ से आपको बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी मोबाइल का जो स्क्रीन रिकॉर्ड किए हो उसको यहाँ इंपोर्ट करना है। तो चलिए यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने मोबाइल का स्क्रीन, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो है वो बैकग्राउंड इमेज से बड़ा है, तो यहाँ से हमें बैकग्राउंड इमेज को भी एक्सटेंड करके उसके बराबर कर लेना है। बैकग्राउंड इमेज को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे हमें एक मोबाइल का PNG इंपोर्ट करना है। उसके लिए सिंपली आपको फिर से यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, फिर यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से जो मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप ये PNG फाइल डाउनलोड कर लेना। तो आपको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल का ये जो PNG है इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा बड़ा करना है और कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं ये परफेक्टली इसके ऊपर प्लेस हो गया है और ये काफी प्रोफेशनल लग रहा है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। सो यहाँ पे जो हमने PNG ऐड किया ये काफी छोटा है, तो इसको भी बड़ा करके ये जो जितना बड़ा क्लिप है उसके बराबर कर लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है काफी प्रोफेशनल लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो टेबल के ऊपर कोई मोबाइल रख दिया गया हो। सो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो इस तरह से प्रोफेशनल हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर आपका स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो मोबाइल के फ्रेम से मैच नहीं कर रहा है तो आप इसके साइज को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉर्नर में ऐसे ही इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे ही आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो को भी यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या फिर अगर लंबा है तो क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से, आप जितना चाहें। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैच नहीं हो रहा है आपके मोबाइल का स्क्रीन अगर बड़ा या छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे बड़ा या छोटा करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, कुछ इस तरह से लाके इसके ऊपर प्लेस कर देना, जैसे अभी ये छोटा है तो इसे एक्सटेंड कर लेना है और कुछ इस तरह से इसके ऊपर प्लेस कर लेना है। जैसे कि अभी साइड से ये दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसा छोटा कर लेना है। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के बाद ही आपका वीडियो रेडी हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव करने के लिए यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में क्लिक करना है, देन यहाँ से आप जिस भी रेजोल्यूशन में चाहें इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ऐसे करके आप भी अपनी वीडियोस को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।